So we have started the topic of conjunctivitis. Today we will cover some small topics, but a large part of this chapter conjunctiva. ये कुछ जो topics हैं that are not very much important regarding the SEQ, लेकिन फिर भी इनकी basic understanding होनी चाहिए क्योंकि ये two marks के लिए SEQ का part ये बन सकता है. MCQ में लाजमी कुछ ना कुछ आ ही जाता है, इसमें से conjunctiva का topic वैसे ही important है. तो जितना मैं इस lecture में बताऊंगी, अगर आप सिर्फ वो ही कर लेते हैं तो दैट विल बी सफिशिएंट, और इतनी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी होगी अ पार्ट ऑफ SEQ या फिर MCQs अटेम्प्ट करने के लिए. और ये थोड़े से टॉपिक्स हैं, इनको हम जल्दी से गो थ्रू कर लेंगे. सो वीडियो को एंड तक देखें एंड दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. सो लेट्स स्टार्ट विद फ्लेक्टेनुलर केराटोकंजंक्टिवाइटिस. अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. दिस इज अ नोड्यूलर लोकलाइज्ड एंड एलर्जिक इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजंक्टिवा. अब इसकी हम पिक्चर देखते हैं तो इससे ये क्लियर हो जाएगा. जैसे पिक्चर में शो किया हुआ है, एक नोड्यूल फॉर्मेशन हमें यहाँ नजर आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ सराउंडिंग में रेडनेस नजर आ रही है. ये इस नोड्यूल की वजह से एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन यहाँ हुआ है, जिसकी वजह से रेडनेस या कंजंक्टिवाइटिस, कंजेशन वगैरह हमें नजर आ रही है. ये नोड्यूल लोकलाइज्ड है, ये कुछ नहीं कह रहा, लेकिन इसकी वजह से सराउंडिंग में इन्फ्लेमेशन जरूर हो रही है. सो इससे इसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है. और टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होता है ये, बिकॉज सराउंडिंग कंजंक्टिवा जो है इसी वजह से रिस्पॉन्ड कर रहा है. आपने याद रखना है, आगे एक और डिजीज हम पढ़ेंगे जिसमें टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी है, तो ये याद रखना है कि इस डिजीज में टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी हमें नजर आएगी. इसके अलावा पहले समझा जाता था कि ये ट्यूबरकुलो प्रोटीन की वजह से होती है, लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये है कि ये स्टेफलोकोकल प्रोटीन्स के एंटीजेंस के रिजल्ट में होती है, यानी एज एंटीजन प्रेजेंट होंगे. सो दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज. अब अगर हम इसकी टाइप्स देखें, इसकी प्रेजेंटेशन हमने देख ली पिक्चर्स में, इसकी टाइप्स हम देख लेते हैं. फर्स्ट इज फ्लेक्टेनुलर कंजंक्टिवाइटिस, सेकेंड इज फ्लेक्टेनुलर केराटाइटिस, एंड द थर्ड वन इज फ्लेक्टेनुलर केराटो कंजंक्टिवाइटिस. अब ये फर्स्ट टू फॉर्म्स को तो ये बुक ने आपकी बहुत अच्छा बता दिया, लेकिन इनकी इतनी ज़रूरत नहीं है. इसका आपको बस ये पता होना चाहिए कि फ्लेक्टेनुलर कंजंक्टिवाइटिस में इसी तरह ही नोड्यूल नजर आएगा. ये पिक्चर बस याद रखने कि नोड्यूल है और सराउंडिंग में हाइपरीमिया, और इसकी वजह से जब हमें पता है कि आइज रेड होती हैं तो यहाँ लेक्रीमेशन और इचिंग ज़रूर प्रेजेंट होगी. यहाँ पर डिस्चार्ज भी हो सकता है क्योंकि हमने पढ़ा है कि स्टेफलोकोकल इसका जो है कॉमन कॉज है. फिर ये याद रखने की बल्बर कंजंक्टिवा में, जैसा कि हमें पिक्चर में नजर आ रहा है, वही बात है, ये पिक्चर आपने याद रखनी है. यही सारे फीचर्स हमने लिखने हैं इन द फर्स्ट टाइप. यहाँ सिर्फ कंजंक्टिवाइटिस है एंड सो कॉर्निया इज नॉट इन्वॉल्व्ड, दिस ही इज विदाउट अ स्कार. और जो फ्लेक्टेनुलर केराटाइटिस है दैट ओनली इन्वॉल्व द कॉर्निया, और ये लिम्बस पे स्टार्ट होता है यानी कॉर्निया के बिल्कुल एज पे, और ये कॉर्निया में फैल जाता है. इसके बारे में इतना ही है. और आगे जो केराटो कंजंक्टिवाइटिस है इसकी डिटेल की जरूरत है जो बुक ने नहीं मेंशन की, इसको देख लेते हैं. जो फ्लेक्टेनुलर केराटो कंजंक्टिवाइटिस है, इट मींस कि कॉर्निया भी इन्वॉल्व है और कंजंक्टिवा भी इन्वॉल्व है. अब हमने ये कहा कि इसके आगे फर्दर दो टाइप्स हैं. ये तो हमने पढ़ ली ना कि एक टाइप है ऑफ द फ्लेक्टेनुलर केराटो कंजंक्टिवाइटिस. तो आगे हमने कहा कि थ्री टाइप्स हैं, ओनली कंजंक्टिवाइटिस, केराटाइटिस या मिक्स्ड. तो अब मिक्स्ड फॉर्म में क्या होता है, इसके आगे दो टाइप्स हैं, अल्सरेटिव एंड द सेकेंड टाइप इज डिफ्यूज इनफिल्ट्रेटिव. ये इंपॉर्टेंट है, बुक में नहीं लिखा, इसको लाजमी यहां से कर लें. अब इसमें आगे क्या होता है, ये थोड़ी थोड़ी डिटेल हमने इसकी बस करनी है. जो अल्सरेटिव है इसके आगे हम मजीद टाइप्स पढ़ेंगे. इसमें क्या होता है, इसके आगे अगर हम टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट टाइप इज सेक्रोफुलस अल्सर. यहां पे हमें क्या नजर आएगा, ओनली मार्जिनल अल्सर ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ लिम्बल फ्लेक्टेन. फ्लेक्टेन क्या होती है, ये बेसिकली जो हमने नोड्यूल पढ़ा था कंजंक्टिवा में, ये फ्लेक्टेन जब अल्सरेटिव टाइप है ना, अल्सर तभी बनता है जब कोई
ऐसे हमारा कोई भी जो है जख्म बना है, उसके बाद जब उसकी सुपरफिशियल लेयर इरोड हो जाती है तो उसको हम अल्सर कहते हैं। जो अल्सर की बेसिक डेफिनेशन है, बॉडी में किसी भी पार्ट पे हो तो वो कोई भी आपकी जो डिजीज चल रही है, जब सुपरफिशियल एपिडर्मिस जो है रिमूव हो जाती है तो पीछे जो रह जाता है ओपन वुंड, दैट इज अल्सर। तो सेक्रोफुलस अल्सर में भी यही होता है कि जो नोड्यूल हमने देखा कि आई में बना हुआ है, जब वो रप्चर कर जाएगा नियर द लिम्बस, अब बाकी कॉर्निया पड़ा हुआ है लिम्बस के जस्ट साइड पे, तो वहां से क्या होगा कि अल्सरेटिव फॉर्म ऑफ केराटोकंजंक्टिवाइटिस हमें नजर आएगा, यानी कि यहाँ पे कॉर्निया इन्वॉल्व हो रहा है। और क्या हुआ है, अल्सरेटिव टाइप है इसलिए यहाँ पे रप्चर हुआ था किसका, ये फ्लेक्टिन का, जो नोड्यूल फॉर्मेशन स्टार्ट में हुई थी। उसके बाद आ जाता है फैसिकुलर, इनकी यही डिटेल्स इतनी ही करनी है जितनी यहां मैंने बताई है। फैसिकुलर टाइप में क्या होता है, फैसिकुलर अल्सर में ये होता है कि देयर इज अ प्रोमिनेंट पैरेलल लीश ऑफ ब्लड वेसल्स दैट रिमेन्स सुपरफिशियल, यानी कि ये बिल्कुल जो कॉर्निया वाला हिस्सा है, नॉट द कंजंक्टिवा बट द कॉर्निया, यहाँ पे एक नोड्यूल तो बना ही हुआ है क्योंकि ये केराटोकंजंक्टिवाइटिस है तो कॉर्निया तो इन्वॉल्व है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे ना हमें थिन लीश ऑफ ब्लड वेसल्स नजर आती हैं। आपको पता है कि कॉर्निया इज ए वेस्कुलर, और अगर यहाँ पे हमें ये नजर आ रही है तो दैट मीन्स कि दिस इज फैसिकुलर टाइप ऑफ केराटोकंजंक्टिवाइटिस। अब थर्ड फॉर्म देख लेते हैं, दैट इज माइलरी अल्सर। माइलरी अल्सर, या जैसे आपने ये टर्म आपने टीबी में भी पढ़ी होगी, इसमें क्या होता है कि मल्टीपल स्मॉल अल्सर्स डेवलप होते हैं। यहां पे हमने देख लिया सेक्रोफुलस में कि ये मार्जिनल अल्सर होता है, दिस इज इसमें हमें प्रोमिनेंट ब्लड वेसल्स नजर आती हैं, और माइलरी में मल्टीपल स्मॉल अल्सर्स नजर आएंगे। बाकी डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेटिव क्या होता है, इसमें हमें नजर आता है अ सेंट्रल इन्फिल्ट्रेशन ऑफ कॉर्निया विथ कैरेक्टरिस्टिक रिच वस्कुलराइजेशन फ्रॉम पेरिफ्री ऑल अराउंड। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एक कॉर्निया इस तरह पड़ा हुआ है तो सारी पेरिफ्री से ही ब्लड वेसल्स नजर आएंगी। यहाँ पे था कि कुछ ब्लड वेसल्स की थोड़ी बहुत डेवलपमेंट नजर आई और अल्सरेशन है, यहाँ पे अल्सर नहीं है, कॉर्निया में बिल्कुल भी कोई अल्सर नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ब्लड वेसल्स की हमें जो है डेवलपमेंट नजर आएगी, बाकी कॉर्निया में अल्सर का कोई नामो निशान नहीं है। तो ये टाइप है डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेट। सो ये इंपॉर्टेंट बात है, बुक में नहीं मेंशन, इसको लाजमी देख लें। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन हमने कैसे करनी है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल फाइंडिंग्स, और इसका ट्रीटमेंट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इसमें देने हैं स्टीरॉयड्स, उसके बाद हमने देनी है एंटीबायोटिक, क्योंकि सेकेंडरी इन्फेक्शन का भी चांस है तो यहाँ पे एंटीबायोटिक तो जरूरी है। उसके अलावा मजीद हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि हम जो इन्फेक्शन है ना, अगर हमें पता है कि स्टेफलोकोकल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, यानी बॉडी में ये इन्फेक्शन कहीं और चल रहा होगा जिसके जो एंटीजेंस जो प्रोटीन्स हैं वो यहाँ आई में इफेक्ट शो कर रहे हैं, तो बेसिक मकसद होगा हमारा उसको ट्रीट करना। सो ये हमारा टॉपिक कवर हो गया, तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑकुलर सिकेट्रिशियल फेमिंगॉइड, दिस इज ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिजीज विद रिकरेंट ब्लिस्टरिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन विद सब्सिक्वेंट स्कारिंग। अब यहाँ पे क्या होगा, ये डेफिनेशन में उसने सारी बात बता दी है, बिल्कुल बेसिक हमने करनी है इसकी। या मैंने आपको पहले भी कहा था टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी आ जाएगी, वो सिकाट्रिशियल फेमिंगॉइड में आ रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑटो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है अगेंस्ट द बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन ऑफ द म्यूकोसल सर्फेस ऑफ कंजंक्टिवा। अब ऑटो इम्यूनिटी का आपको पता है, उसकी वजह से क्या होगा, सब एपिथेलियल बुला फॉर्मेशन, जब ये बुला बनेंगे, बुला क्या होता है, दैट इज अ रेज नोड्यूल, जैसे पहले बना था उससे डिफरेंट होगा, जारी बात है ये वो वाला नोड्यूल नहीं है, लेकिन ये भी एक टाइप ऑफ नोड्यूल ही होता है। उसके बाद अल्सरेशन होगी और फिर सिकाट्रिशन यानी हीलिंग, और हीलिंग मीन्स स्कार फॉर्मेशन, और यहाँ स्कार फॉर्मेशन के इफेक्ट्स ही हमें आगे क्लिनिकल साइंस में नजर आएंगे। वही सारी बात है कि प्राइमरी डिजीज कंजंक्टिवा की है, लेकिन ये और कौन से पार्ट्स को इन्वॉल्व कर सकती है, तो इनकी इन्वॉल्वमेंट हमें जो है इशारा दे सकती है कि ये वाली डिजीज हो सकती है। अब यहाँ पे जैसे हमने बात की इसकी पैथोजेनेसिस में, बुला फॉर्मेशन, अल्सर, सिकाट्राइजेशन। सिकाट्राइजेशन में क्या होगा कि सब एपिथेलियल फाइब्रोसिस होगी, जिसकी वजह से ग्रे वाइट लीनियर ओपेसिटीज डिवेलप हो जाएंगी इन द कंजंक्टिवा, फीमेल में कॉमन है। अब ये कंजंक्टिवा, इसकी एक और पहचान ये है कि इट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द नॉर्मल थेरेपी दैट वी यूज फॉर कंजंक्टिवाइटिस,
यानी कि अगर आप एंटी हिस्टामीन्स दे रहे हैं, आप स्टीरॉयड्स दे रहे हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, कंजंक्टिवाइटिस आपका हील नहीं हो रहा, तो दैट कैन बी ड्यू टू दिस कॉज। और साथ में हमें कोई इशारा मिलेगा जब ये और पार्ट्स भी इन्वॉल्व होंगे जो अभी हमने देखे। अब यहाँ पे क्या होगा, चूंकि सिकट्राइजेशन आपको पता है स्कार फॉर्मेशन हीलिंग, और ये स्कार टिश्यू फॉर्मेशन जहां पे हो रही है वहां पे ड्राई आई जरूर हमें नजर आएगी, क्योंकि जो हमारे गॉबलेट सेल्स और सारा कुछ वो तो डिस्ट्रॉय हो गया पहले, और मजीद सिकट्राइजेशन से जो बचा कुचा था वो भी खत्म हो गया, तो यहाँ पे ड्राई आई का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा श्रिंकेज ऑफ फॉन्डनेस, जिसकी वजह से सिम्ब्लेफ्रॉन यानी कि फॉन्डनेस, हमने देखा था कि एक जो है पल्पेब्रल कंजंक्टिवा फॉन्डनेक्स है और फिर दोबारा से बल्बर कंजंक्टिवा है। अब जब फॉन्डनेक्स खत्म होने लग जाएगी और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो हमें फॉन्डनेक्स नहीं नजर आएगी, हमें बल्बर और पल्पेब्रल कंजंक्टिवा आपस में जुड़ते हुए लगेंगे, दैट इज कॉल्ड सिम्ब्लेफ्रॉन। और इसके अलावा एनकाइलो ब्लेफ्रॉन दैट कैन ऑल्सो अकर, ये हमने देखा था ना आईलेट जो है आपस में फ्यूज होने लग जाती है। अब इसी के असरा जो है हमें कॉर्निया में भी नजर आएंगे। वहां क्या होगा कि ड्राइनेस है ना, बेसिकली ड्राइनेस मेन चीज है यहाँ पे, जो गॉबलेट सेल्स एक तो खत्म हो गया, मजीद सिकट्राइजेशन है जिसकी वजह से होगी कुछ ड्राइनेस। अब ड्राइनेस में होगा एपिथेलियल डिफेक्ट्स डेवलप होंगे, कॉर्निया में वस्कुलराइजेशन स्टार्ट हो सकती है और कैरेटिनाइजेशन, वही ड्राइनेस के सारे इफेक्ट्स आ रहे हैं इन द कॉर्निया। आईलेट में क्या होगा, आईलेट की वही कॉमन बातें, दो तीन कॉम्प्लिकेशन होती है, ब्लेफ्राइटिस, ट्रिकियसिस, एंट्रोपियन। एंड स्टेज में क्या होगा कि टोटली वो ड्राई आई के जो है सिम्टम्स की तरफ टोटल एम्ब्लेफ्रॉन और कॉर्नियल वस्कुलराइजेशन, ये वस्कुलराइजेशन होती है इन अटेम्प्ट टू जो है ना आपकी टीएफएल मेंटेन करने के लिए। अब उसके बाद डायग्नोसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल फाइंडिंग्स, और इसके अलावा बायोप्सी हम करते हैं इसमें। अब इसमें देखें, अब इसको अगर हम खुद से सोचें इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, सबसे पहले हमारा मसला मेन आ रहा है ड्राई आई, हम इसके जो है ना एब्सोल्यूट ट्रीटमेंट की तरफ बाद में जाएंगे। सबसे पहले हमें मसला ये है कि ड्राई आई हो रही है जिसकी वजह से फर्दर कॉम्प्लिकेशंस नजर आ रही हैं, तो हमने देने हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल टीयर्स और टॉपिकल स्टीरॉयड। स्टीरॉयड तो थेरेपी है हर कंजंक्टिवाइटिस में, टीयर्स ताकि ड्राई आई का जो है इलाज हो सके, साइक्लोस्पोरिन बिकॉज ऑफ वाटर इम्यूनिटी, रेटिनॉइक एसिड क्योंकि इससे कैरेटिनाइजेशन कम हो जाएगी, एंटीबायोटिक हर केस में आपने देनी देनी है बिकॉज सेकेंडरी इन्फेक्शन का चांस है, और लेड हाइजीन हर टाइप ऑफ कंजंक्टिवाइटिस में लिखनी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपने हर टाइप ऑफ कंजंक्टिवाइटिस में करनी है। तो अभी तक अगर आपने सारे लेक्चर सुने हैं तो आपको पता होगा कि बहुत सारी बातें ट्रीटमेंट में रिपीट होती हैं, तो ट्रीटमेंट लिखना उस तरह से आसान हो जाएगा जैसे मैंने गाइड किया है। सिस्टेमिक ट्रीटमेंट में डेप्सॉन, एंटी मेटाबोलाइट, स्टीरॉयड्स और इम्यूनोग्लोबुलिन बिकॉज ऑटो इम्यूनिटी है। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिजियम। ट्रिजियम क्या होता है, एक डिजनरेटिव कंडीशन है जिसमें एक ट्राइंगुलर फाइब्रोवास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू डेवलप हो जाता है फ्रॉम कंजंक्टिवा टू द कॉर्निया। इट मींस कि यहाँ पे हमारा कॉर्निया पड़ा है, साइड पे कंजंक्टिवा है, तो यहाँ पे इसकी बेस है और ये कॉर्निया की तरफ डेवलप हो रहा है इस तरह से। आगे हम और डिजीज पढ़ेंगे जिसमें ये चीज बिल्कुल उल्ट होती है, तो इसने याद रखना है कि इट ग्रोस टूवर्ड्स द कॉर्निया, ट्रिजियम। अब यहाँ पे क्या है कि ये डिजेनरेटिव और हाइपरप्लास्टिक कंडीशन है, एक तरफ डिजेनरेशन हो रही है उसके रिस्पांस में हाइपरप्लेजिया नजर आ रहा है, और वो हाइपरप्लेजिया जो हमें मैनिफेस्टेशन उसकी नजर आएगी वो इस टिश्यू के फॉर्म में नजर आएगी। एग्जैक्ट कॉज नहीं पता, लेकिन ड्राइंग ऑफ टियर फिल्म या फिर यूवी रेडिएशन उसका कॉज समझा जाता है। और पैथोलॉजी मैंने बता दी डिजेनरेटिव एंड हाइपरप्लास्टिक कंडीशन है। फिर इसकी टाइप्स क्या होती हैं, यहाँ बुक में अगेन गलत लिखी है जितोई वाले, आपने ये बात नहीं करनी, इसके सिर्फ दो स्टेजेस है, तीन नहीं है, ये पेपर में तीन नहीं लिखी आने। फर्स्ट इज प्रोग्रेसिव एंड सेकंड इज एट्रोफिक या फिर रिग्रेसिव स्टेज, ये स्टेशनरी कोई स्टेज नहीं होती है, गलत लिखा हुआ। प्रोग्रेसिव यानी कि ये बढ़ता जा रहा है, एट्रोफी यानी अपने आप ये खत्म हो गया, सिंपल एज दैट। स्टेजेस की बात कर लेते हैं, दिस स्टेजेस आर इम्पोर्टेंट। स्टेज वन क्या होती है कि ये लेस देन 2 mm ओवर द कॉर्निया, बिकॉज कंजंक्टिवा पे ये ग्रो कर रहा है, उसका हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं आ रहा है, मतलब अपार्ट फ्रॉम द कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट इसका हमें वैसे कोई इफेक्ट नहीं नजर आएगा। अब क्या है कि कॉर्निया के ऊपर अगर वो 2 mm तक चला गया है तो भी इतना मसला नहीं होगा, एसिम्प्टोमेटिक होगा। अगर अप टू 4 mm तक चला गया है तो वहां पे एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है, क्योंकि कॉर्निया के ऊपर जो टियर फिल्म है वो डिस्टर्ब हो रही है। अगर ये स्टेज 3 तक चला गया, दैट इज 4 mm से भी ज्यादा,
तो यहां मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होगी टू द विजन। अगेन आपकी बुक यहां फिर गलत लिख रही है, पार्ट्स ऑफ द रीजियम ये नहीं होते, हेड नेक एंड बॉडी होती है, कैप वगैरह ये सारा कुछ नहीं लिखना पेपर में। कॉर्निया के साइड पे हेड है, फिर नेक और बॉडी है। क्लिनिकल फीचर्स अगर हम देखें, अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि इट इज मोर कॉमन ऑन द नेजल साइड देन द टेम्पोरल साइड, और एसिम्प्टोमेटिक होती है बेसिकली अनटिल एंड अनलेस ये कॉर्निया को अफेक्ट ना करे। कॉस्मेटिक इंटॉलरेंस जरूर हो सकती है, लेकिन जब तक कंजंक्टिवा तक लिमिटेड है या स्टेज 1-2 mm ओवर कॉर्निया तक लिमिटेड है, तो तब तक कोई मसला नहीं है। बाकी इसकी स्टेजेस हमने देख ली, और इसमें इंपॉर्टेंट साइन है एक दो, दैट इज स्टॉकर लाइन। स्टॉकर लाइन क्या होती है, ये आयरन डेपोजिशन होती है दैट मे बी सीन इन द कॉर्नियल एपिथेलियम। ये डिजीज कंजंक्टिवा टू कॉर्निया प्रोग्रेस कर रही है, और जो स्टॉकर लाइन्स है हमें नजर आएंगी इन द कॉर्निया, और ये डायग्नोस्टिक फीचर है फॉर द टेरिजियम। और इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस अभी हमने जैसे पहले देखा, एस्टिग्मेटिज्म इसकी वजह से हो सकता है, विजुअल इंपेयरमेंट होगी जारी बात है अगर कॉर्निया के ऊपर ये आ रही है एक मैस। इसके अलावा डिप्लोपिया डबल विजन हो सकती है। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है कि यहाँ पे जितने भी ये इस तरह डिजेनरेटिव चेंजेस होती है ना, वहां पे ड्राई आई डेवलप होती है, तो यहाँ पे टीयर सब्स्टिट्यूट मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर टॉपिकल स्टीरॉयड्स, अगेन जो टॉपिकल स्टीरॉयड्स हमने देने ही देने हर टाइप ऑफ कंजंक्टिवाइटिस में। फिर सनग्लासेस हम क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमने कहा कि यूवी रेडिएशन की वजह से हो रहा है, तो सारी बात उससे हम प्रोटेक्ट करेंगे। सर्जिकल ट्रीटमेंट है कि सिंपली इसको हम रिमूव कर देंगे। इंडिकेशंस क्या है सर्जरी की, वैसे अगर कुछ नहीं कह रही और आपको अगर अपने लुक में कोई मसला नहीं है ना, तो हम नहीं ट्रीट करें इसको, ये अपने आप एट्रोफी इसकी हो जाती है, वरना ये कोई मसला नहीं कर रहा। या तो कॉस्मेटिक रीजन होगी, या आपकी वीएन इम्पेयरमेंट इसकी वजह से स्टार्ट हो गई है, या एस्टिग्मेटिज्म डेवलप हो रहा है, या डिप्लोपिया, जो इसके हमने कॉम्प्लिकेशंस देख ली। और अगर रिकरेंस के केस में हम साथ में देते हैं माइटोमाइसिन, ये दो इंपॉर्टेंट बातें होगी इसकी। और सिंपल एक्सीजन को हम ऑम्ब्रेन्स मेथड भी कहते हैं, जिसने मतलब बेयर स्क्लेरा टेक्निक है ये, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव नथिंग इम्पॉर्टेंट, इसमें कोई इतनी बात नहीं है करने वाली। टेरिजियम की इतनी ही डिटेल काफ़ी है। देन सूडो टेरिजियम भी एक चीज़ होती है, ये क्या होता है कि दिस इज द फोल्ड ऑफ बल्बर कंजंक्टिवा अटैच टू द कॉर्निया, यानी कि बल्बर कंजंक्टिवा जो कॉर्निया के ऊपर तो नहीं ना होता, वो तो ये सराउंडिंग एरिया में होता है। यहाँ पे जो कंजंक्टिवा है वो एक कुछ एक्सेस उसकी डेवलपमेंट होगी, या इसमें कुछ चेंज आया है कि यही उत्तर के यहां तक लग गया, यानी ओवरग्रोथ डिजेनरेटिव चेंज कोई नहीं आ रही, ये यही कंजंक्टिवा का फोल्ड है जो एक्सेस में आके आगे तक चला गया, इसको हम कहते हैं स्यूडो टेरिजियम, जैसे कि ये पिक्चर में शो किया हुआ है। इसकी जो क्लिनिकल फीचर्स है सेम है, एडिशन टू द कंजंक्टिवा ऑफ द कंजंक्टिवा टू द पेरिफेरल कॉर्निया, इट मे बी इन द एनी क्वाड्रेंट, ये नेजल साइड पे कॉमन होना इसमें वो वाली बात नहीं है। और फिर जो डिप्लोपिया में अकर ड्यू टू इंटरफेरेंस और प्रोब कैन बी पास्ड अंडर द नेक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ये पीछे वाली लेयर से कंटिन्यूस है ना, तो हम प्रोब अगर पास करेंगे तो ये सेपरेट हो जाएगा, यानी इसके नीचे से ऐसे प्रोब गुजर जाएगा। अगर वो दूसरी चीज से जो डिजेनरेटिव चीज थी, यानी न्यू ग्रोथ थी, कंजंक्टिवा कॉर्निया के ऊपर कंटिन्यूस लेयर थी, वो प्रोब को पास नहीं करने देगी। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है, हम इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज पिंगुएला, ये क्या होता है, बिल्कुल ऑपोजिट है, यहाँ पे बेस टुवर्ड्स द कॉर्निया और ये एपेक्स टुवर्ड्स द कंजंक्टिवा, एक येलोइश व्हाइट मैस है द बल्बर कंजंक्टिवा, जिसको हम कहते हैं पिंगुएला। और इसमें भी मेन कॉज वही है, यूवी रेडिएशन या ड्राइंग। इसमें क्या हो रहा है कि हाइलिन इन्फिल्ट्रेशन और इलास्टोटिक डिजनरेशन, सेम वही वाली बात है, एल्डरली में होता है, बायलेटरल होता है, सारी चीजें इसमें वही है। मेडिकल ट्रीटमेंट इफेक्टिव है, सर्जिकल ट्रीटमेंट सिर्फ हम कॉस्मेटिक रीजन के लिए ही करते हैं, और उस जैसे वो रिग्रेस कर जाता था और ये मेडिकल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर जाता है, तो दोनों ट्रीटमेंट दोनों केसेस में अदर देन कोई हमें कॉम्प्लिकेशन हो रही है, हम इनको जो है ट्रीट करना जरूरी नहीं होता, मतलब सर्जरी करना जरूरी नहीं होता। लास्ट टॉपिक है विटामिन ए डेफिशिएंसी, हाइपो विटामिनोसिस ए, ज़ेरोफ्थैल्मिया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा ये माइनर नहीं है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरह देख लें, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और ये यहाँ से अगर आपने इतने टाइम में कवर कर लिया, सो बुक को आप जस्ट वन टाइम रीड करें, आपको दोबारा रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ड्राई आई सिंड्रोम, इसमें स्पेक्ट्रम ऑफ क्लिनिकल ऑकुलर मैनिफेस्टेशंस है। सिर्फ ड्राई आई नहीं है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी ड्यू टू वाइटामिन ए डेफिशिएंसी। किस किस वजह से हो सकती है, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी। लीडिंग कॉज ऑफ चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पे पैथोजेनेसिस में हो क्या रहा है, कॉलमनर एपिथीलियम में मेटाप्लेजिया हो रहा है, यानी कि इट इज चेंजिंग इन टू स्क्वेमस एपिथीलियम। अब स्क्वेमस एपिथीलियम में गॉबलेट सेल्स नहीं है, जिसकी वजह से होगी ड्राई आई। अब ये वाइटामिन ए का रोल है इन द विजुअल साइकिल, तो सबसे पहले तो वहां इफेक्ट आएगा और ग्रेजुअली ये वाला मेटाप्लेजिया आएगा। ये मेटाप्लेजिया एक स्लो रिस्पॉन्स है, आहिस्ता आहिस्ता होगा। ये नहीं कि आज वाइटामिन ए डेफिशिएंसी हुई तो कल को ये ड्राई आई भी नजर आ गई, नो। नाइट ब्लाइंडनेस सबसे पहले होगी, उसके बाद हमें ड्राइनेस के सिम्टम्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस से हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि ये वाइटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। सेम मेटाप्लेजिया हुआ। अच्छा, ये ड्राई आई हम कहेंगे सिम्टम्स में, अगर हम उसकी साइंस की बात करें तो उसको हम कहेंगे जीरोसिस। फिर बिट और स्पॉट्स, दिस इज डायग्नोस्टिक फीचर। ये क्या होता है, जो कैरेटिनाइजेशन हो रही है ना, स्क्वेमस एपिथीलियम चेंज कर रही है, मतलब कॉलमनर एपिथीलियम थी जिसकी जगह स्क्वेमस आने शुरू हो गई, तो वो कैरेटिन यहाँ पे होता है स्क्वेमस एपिथीलियम में, तो उसके जगह जगह हमें पैचेस नजर आएंगे। उसके साथ साथ हमें कुछ इन्फ्लेमेटरी सेल्स नजर आएंगे, जिसकी वजह से जो स्पॉट्स बनेंगे उनको हम कहते हैं बिटॉट स्पॉट्स। एक हमने पहले स्टॉकर्स लाइन पढ़ी, दूसरी बिटॉट स्पॉट्स। ये किस डिजीज में आनी है, एमसीक्यू पूछा जाएगा, याद रखना है इसको अच्छी तरह। फिर ये डिजीज कॉर्निया तक पहुंचेगी, वहां पे भी पंक्चुएट जो अल्सर नहीं पंक्चुएट एपिथीलियल एरोजन हमें नजर आएंगी। फिर इसके जो है रेटिना में कुछ चेंजेस नजर आती हैं, दैट आर येलो वाइट डॉट्स, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, WHO क्लासिफिकेशन बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले स्टेज बिल्कुल जीरो पे नाइट ब्लाइंडनेस स्टार्ट होगी, 1A पे क्या होगा जीरोसिस, जैसे हम जिस सीक्वेंस में यहाँ पढ़े उसी सीक्वेंस में यहाँ आ रहे हैं। भाई टॉट स्पॉट्स पड़े कंजंक्ट सॉरी कॉर्निया में जीरोसिस हुई, फिर अल्सरेशन स्टार्ट होगी लेस देन 1/3 ऑफ द कॉर्निया, अल्सरेशन मोर देन 1/3 ऑफ द कॉर्निया, कॉर्नियल स्कारिंग एंड जीरो ऑफ्थैल्मिक फंडस। यानी कि लास्ट स्टेज है जब ये रेटिना तक इसकी चेंजेस आ गई हैं, ये बिल्कुल एंड पे नजर आएंगी। सेम ऑर्डर में जिसने हमने साइंस पढ़े हैं, सेम ऑर्डर यहाँ पे आ रहा है। सेम थिंग एंड द ट्रीटमेंट डायग्नोसिस हमने इन्हीं चीज़ों पे कर लिया, वाइटामिन ए की डेफिशिएंसी और ड्राइनेस की बेस पे। आगे टॉपिकल ट्रीटमेंट में हमने सबसे पहले ड्राइनेस को ट्रीट करना है आर्टिफिशियल टीयर से, फिर वाइटामिन ए सब्स्टिट्यूट जाहिर बात है देंगे, और कॉर्नियल अल्सर और परफोरेशन अगर हो चुकी है तो वो उसको हमें खुद से ठीक करना पड़ेगा। यानी कि वो बाकी जो है आपका कंजंक्टिवा मेटाप्लेजिया वो इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन जो कॉर्निया तक चेंजेस आ गई हैं उसको हमें अलहदा से ट्रीट करना पड़ेगा। सिस्टेमिक थेरेपी, वाइटामिन ए हम दे रहे हैं और इंजेक्शन भी इसके दे रहे हैं अगर बहुत सिवियर केस है। सो, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक रह गया, बिल्कुल 2 मिनट में ये कवर हो जाएगा। सब कंजंक्टाइवल हेमरेज, दिस इज द ब्लीडिंग अंडर द कंजंक्टिवा, दैट इज इडियोपैथिक पोस्ट सर्जिकल आई ट्रॉमा, किसी भी वजह से हो सकती है। क्या होता है कि एक रेड स्पॉट आपको नजर आएगा, ब्राइट रेड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शायद खुद भी पता नहीं चले क्योंकि ये एसिम्टोमेटिक होता है, कोई नोटिस करेगा तो आपको बताएगा। बिल्कुल रेड सा स्पॉट लगेगा कि यार पता नहीं क्या हो गया आपको, लेकिन बिल्कुल कोई सिम्टम नहीं होते, कोई जो है बहुत परेशानी की बात नहीं होती। ब्लड एक्यूमुलेशन हुई होती है इन द स्पेस बिटवीन द कंजंक्टिवा एंड स्क्लेरा। इसके कॉज मतलब डायरेक्टली ये एक साइन है, नॉट अ डिजीज, किसी भी कॉज की वजह से इसमें हमने कॉज फाइंड करना है, ना कि हमने हेमरेज को लेके बैठ जाना है। ब्राइट रेड स्पॉट नजर आएगा जो ब्लैक रेड हो जाएगा और बाद में अब्सॉर्ब हो जाएगा, खुद से खत्म हो जाएगा, इफेक्ट विजन पे कोई भी नहीं कर रहा है। इसकी हम डायग्नोसिस करेंगे, फाइंड करेंगे कि कॉज क्या है। सबसे पहले इस डिजीज में, चूंकि ये एक बिल्कुल आंख में ऐसा रेड सा धब्बा नजर आ रहा है, सबसे पहले रीअश्योरेंस की जरूरत है। फिर हमने बताना है कि नो ट्रीटमेंट फॉर 3 वीक्स एटलीस्ट, क्योंकि 3 वीक्स में ये खुद ही रिजॉल्व कर जाएगा। हाँ, वाइटामिन सी हम दे सकते हैं बिकॉज वो हीलिंग में हेल्प करेगा, कोल्ड फर्मेंटेशन दे सकते हैं जिससे फर्दर ब्लीडिंग ना हो, तो आर्टिफिशियल टीयर्स हाँ दे सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कंजंक्टिवा, मजीद ट्रकोमा एंड एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस इन द नेक्स्ट पार्ट। सो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।